हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, आज हम क्लास टेंथ का मैथ्स करने वाले हैं बच्चों, और चैप्टर जो हमारा आज करेंगे वो है स्टेटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। तो बच्चों, हमने सांख्यिकी के कुछ बेसिक चीजें हमने सीखी थी अभी तक। तो देखिए, सांख्यिकी आपका काफी बड़ा टॉपिक है, काफी मतलब काफी जगह काम आता है, और एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इसमें काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो बेसिकली जो अभी हम सीख रहे हैं और जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं वो है मीन यानी माध्य। तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं बच्चों, जिनमें से हमने अभी तक एक ही मेथड सीखा है। चलिए, बाकी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं स्मार्ट बोर्ड पे हम, तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने चैप्टर का नाम है सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। और इसके बारे में हम क्या सीख रहे थे, मैंने एग्जांपल की मदद से भी आपको समझाया था कि सांख्यिकी में क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे मीन आता है ना, मीन क्या बोलते हैं इसको, माध्य बोलते हैं। जैसे हम एवरेज निकालते हैं वही मीन होता है, बस हमारा डाटा क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। ये डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए, जो डाटा अनऑर्गेनाइज्ड हो उसको बोलते हैं रॉ डाटा, ठीक है। जैसे कि हमने कल एक एग्जांपल किया था कि भी बच्चों के मार्क्स आए कुछ, है ना, बच्चों के मार्क्स आए 50, किसी के 10, किसी के 20, किसी के फिर 50 आए, किसी के फिर 10 आए, किसी के 40 आए, किसी के 30 आए, एंड सो ऑन। तो ये अगर हमें डाटा दिया है किसका, अंकों का, स्टूडेंट के मार्क्स का, ठीक है, स्टूडेंट के मार्क्स का ये डाटा दिया है किसी सब्जेक्ट में, तो बच्चों ये डाटा क्या होता है, इसको बोलते हैं हम अनऑर्गेनाइज्ड डाटा। हमें रैंडम फॉर्म में दे दिया, किसी बच्चे का भी कोई भी डाटा उठा के हमें दे दिया, और हमें इसका निकालना है एवरेज। क्या निकालना है, एवरेज। ये हमने एग्जांपल्स किए थे, जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं इस चीज को। इसका अगर एवरेज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, भाई जितने भी मार्क्स दिए हैं सबको जोड़ के एड करके और जितने टोटल बच्चे हैं उससे डिवाइड कर दिया, और हमने ये मार्क्स की एवरेज निकाल ली। भाई एवरेज लगभग हर इस क्लास में हर बच्चे के लगभग इतने मार्क्स आए हैं, इस तरह से हम एवरेज निकाल पाते हैं। लेकिन जो हमारा हम मीन निकालते हैं, जहाँ पे हम मीन निकालते हैं वहां पे हम क्या करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज कर लेते हैं मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या हुआ इसका मतलब, ऑर्गेनाइज करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 50 मार्क्स देखेंगे हम कि कितने बच्चों के हैं, तो 50 अंक यहाँ पे, जैसे मेरे को दो बच्चों के दिख रहे हैं, तो मैंने 50 मार्क्स लिख दिए, यहाँ पे मार्क्स लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स, है ना, तो दो स्टूडेंट्स के मार्क्स दिख रहे हैं। इस तरह हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि 10 मार्क्स है वो भी मान लीजिए एक और 10 हो गया, तो तीन स्टूडेंट्स के मुझे 10 मार्क्स दिख रहे हैं। ऐसे कर करके हम इस डाटा को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, है ना, एक सही तरीके से लगा लेते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको बोलते हैं मीन। तो इस केस में बच्चों आपके साथ दो चीजें हो सकती हैं, एक तो आपको डाटा दिया जा सकता है इसी फॉर्म में, रॉ फॉर्म में, है ना, तो आप खुद से ऑर्गेनाइज करेंगे, इसका उदाहरण हम कर चुके हैं, या फिर आपको डाटा दिया होगा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, है ना, हमने जैसे क्लास इंटरवल वाला किया था, है ना, कुछ टर्म्स हमने सीखी थी बच्चों, ठीक है, जैसे कि क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास इंटरवल हमने सीखा था, जैसे 10 से 20 के बीच में जिन जिन बच्चों के मार्क्स होंगे वो इस क्लास इंटरवल के बीच में आ गया। मतलब क्या हुआ कि भाई जिसके 10 से 20 के बीच में अगर नंबर किसी बच्चे के आते हैं तो इस क्लास इंटरवल में आ गया। मान लो चार बच्चों के नंबर हैं 10 से 20, तो वो इस क्लास इंटरवल में आ गया। क्लास इंटरवल को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास और क्या आता है, जो क्लास इंटरवल होता है उसका क्लास मार्क निकालते हैं हम, ठीक है, क्लास मार्क निकालते हैं। सारी चीजें हम पढ़ेंगे, अभी जस्ट आपके लिए एक शॉर्ट रिव्यू यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। वर्ग चिन्ह, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, क्लास मार्ग यानी वर्ग चिन्ह हम इसको बोलते हैं। ये निकालना जरूरी होता है, और ये क्या होता है, जो क्लास मार्क होता है उसकी आपकी मिडल वैल्यू होती है, मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटे दो क्या आ जाता है, क्लास मार्क आ जाता है। इस तरह हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब देखिए हमारे जो मीन निकालने के तरीके हैं, ठीक है, माध्य हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं,
माध्य हम तीन तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है? पहले तरीकों के हम बोलते हैं बच्चों प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विधि। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष विधि, यानी इसको बोल सकते हैं हम डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि मतलब डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि को डायरेक्ट मेथड बोलते हैं हम, है ना। प्रत्यक्ष विधि को डायरेक्ट मेथड बोलेंगे। एक तरीका तो बच्चों ये है मीन निकालने का, है ना, हम डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल सकते हैं। और दूसरा, पहले ये तरीका जो हमने यहाँ पे लिखा है मैंने, इस तरीके से अगर मीन निकालते हैं हम, तो ये हम कर चुके हैं, इसके ऊपर एक उदाहरण हम कर चुके हैं। क्या फॉर्मूला यहाँ पे था मीन का? देखिए, मीन निकालने का फॉर्मूला अगर डायरेक्ट मेथड है तो हम यूज करते थे एफ आई एक्स आई का, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला यूज करते थे। और यहाँ पे एफ आई एक्स आई क्या हो गए बच्चों? एफ आई और एक्स आई हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और आपके मार्क्स जो उनके आए हैं वो हो गए एफ आई एक्स आई। और सिग्मा मतलब करते हैं हम ऐड, है ना, इन सबको हम ऐड कर देते हैं अगर हम सिग्मा लगाते हैं सामने। सिग्मा मैंने बताया था आपको एक ग्रीक लेटर होता है, क्या होता है ये? ग्रीक लेटर होता है सिग्मा। तो इस सिग्मा का हम यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं। तो ये तरीका हो गया भाई, प्रत्यक्ष विधि अगर हम यूज करेंगे तो हम डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ तक आपको किस किस को समझ में आ गया है? क्या सबको समझ में आ गई यहाँ तक चीज? क्योंकि अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो डायरेक्ट मेथड पे, प्रत्यक्ष विधि पे हम करेंगे क्वेश्चन। इसके इसका यूज करके, इसका इस्तेमाल करके हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं अब आगे का क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो अभी अपना हैंड रेज करके पूछ लीजिए बच्चों। किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि इसी के आधार पे क्वेश्चन करने वाले हैं और वो क्वेश्चन आप करेंगे, क्योंकि कल हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं इस विधि पे, तो आगे क्वेश्चन आप करेंगे। तो कोई डाउट हो अभी पूछ लीजिए, नहीं तो अभी हम क्वेश्चन पे चलेंगे। उससे पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई माध्य निकालने की दो और विधि है हमारे पास, दो मेथड और हैं। एक को तो बोलते हैं हम कल्पित माध्य विधि। क्या बोलते हैं? कल्पित माध्य विधि, यानी इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। क्या बोल देते हैं बच्चों? अज्यूम्ड मीन मेथड, इसको हम अज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं। तो यानी कि इसके तीन तरीके हैं, जिसमें से दो आपके सामने है। एक तो डायरेक्ट मेथड है, सीधा सीधा हमने निकाल दे ये सूत्र। ये अगर आ जाएगा तो हम सीखेंगे फिर कल्पित माध्य विधि, यानी अज्यूम्ड मीन मेथड हम सीखेंगे। और इसके बाद एक मेथड और आता है जो आपका माध्य निकालने में मदद करता है, इसको बोलते हैं बच्चों पग विचलित, पग विचलित विधि। क्या मतलब हुआ इसका पग विचलित विधि? इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड। मतलब थोड़ा अगर चीजों को हम डेविएट कर दें, अलग कर दें, डिफरेंस इस चीज में अगर हम ले लें तो स्टेप डेविएशन मेथड हो गया, है ना। तो ये दोनों मेथड हैं हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। जब हमें अच्छे से प्रत्यक्ष विधि आ जाएगी तो हम ये दूसरे मेथड्स का यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बच्चों उम्मीद है ये जो यहाँ पे अभी तक मैंने बताया है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो बिल्कुल बेझिझक आप पूछ लीजिएगा। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन पे। पहले इसको नोट डाउन कर लो, और जब आपका ये नोट डाउन हो जाए तो हैंड रेज कर देना अपना, ताकि हम क्वेश्चन पे चल सकें। अपनी सीट पे बैठे बैठे अपना हाथ खड़ा कर देना बच्चों, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपने नोट डाउन कर लिया है। तो बच्चों आपको क्या लगता है, हो गया नोट डाउन? जीजीआईसी बारकोट ने कर लिया नोट डाउन, शाबाश। जीआईसी मवानी दवा, सिर्फ एक दो बच्चों का हैंड रेज दिख रहा मुझे, सभी के सभी नोट डाउन नहीं कर रहे क्या? आगे वाले जो बच्चे हैं जीआईसी मवानी दवा, आपका नोट डाउन नहीं हुआ बेटा? जल्दी से कर लीजिए। देखिए मैं चाहता हूँ किसी का छूटे ना, सब नोट डाउन कर लें, सब अपने प्रॉपर नोट्स बना लें, तभी हम आगे बढ़े। इसीलिए आप बता दें कि जब आपका नोट डाउन हो जाए, बता दिया करें हैंड रेज करके। तो
जल्दी से, अगर किसी का छूटा हो तो 10 सेकंड और आपके पास, जल्दी से कर लो नोट डाउन। चलिए अब हम क्वेश्चन करेंगे इसका, जो कि आप यहां पे क्वेश्चन करने वाले हैं और इसका आंसर आप ही देंगे। तो इसको क्वेश्चन के जो डाटा है अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये आपके यहीं पे काम आने वाला है। तो यहां पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे पहले, क्या लिखा है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर मध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था, ऑर्गेनाइज्ड डाटा आपको दिया है ना, ऑर्गेनाइज्ड डाटा दिया है, मतलब पौधों की संख्या दी गई है आपको, और क्या दी गई है, 0 से 2 के बीच में अगर पौधे हैं तो वो घरों की संख्या है, मतलब किसी एक घर में 0 से 2 के बीच में पौधे हैं, और 2 से 4 के बीच में किसी घर में 2 पौधे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे देखिए आपको ये डाटा यहाँ पे दिया हुआ है ना, डाटा आपको यहाँ पे गिवन है। फिर 4 से 6 के बीच में किसी एक घर में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 से 2 का मतलब क्या हुआ कि 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, लेकिन 2 नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखिए। जो इसकी अपर लिमिट होती है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 2 तो हमारा नेक्स्ट में आ जाता है ना, 2 नेक्स्ट में आ जाता है, इसीलिए इसकी जो लोअर लिमिट होगी उसी को हम इंक्लूड करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 2 से 4 है, तो इसमें हम मान सकते हैं 2 घरों में भी हो सकता है, या फिर 2 पौधे भी हो सकते हैं, 3 पौधे भी हो सकते हैं, कितने, 2 घरों में, है ना। एक घर में क्या हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, एक घर में 3 हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपको यहाँ पे जो डाटा दिया गया है इसका मतलब समझिए आप कि किस किस तरह से इनको इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ये डाटा दिया गया है कि भाई पौधों की संख्या दी गई है 0 से 2 के बीच में, घरों की संख्या 1 है, मतलब 0 से 2 के बीच में जो पौधे हैं सिर्फ एक घर में है, 2 से 4 के बीच में पौधे हैं वो 2 घरों में है, इसी करके 12 से 14 जो पौधे हैं वो सिर्फ 3 घर में है, ठीक है। 3 घरों में आप देख सकते हैं, या तो 12 पौधे होंगे या 13 पौधे होंगे या 14 होंगे, है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमको डाटा दिया गया है, इसका आपको क्या करना है, प्रति घर मध्य पौधों की संख्या निकालनी है आपको, ठीक है, फाइंड आउट करनी है प्रति घर मध्य पौधों की संख्या आप निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपने किस विधि का प्रयोग किया। तो इससे आपको पता लगता है कि भाई जो 3 विधियां हैं हमारे पास, 3 विधियां हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड हो गया, एक अज्यूम्ड मीन मेथड हो गया, और एक हो गया स्टेप डेविएशन मेथड। इन तीनों में से आपको सोच समझ के विधियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए जो डायरेक्ट मेथड होता है वो यूज होता है जो छोटे छोटे अंक होते, छोटी छोटी संख्याएं होती हैं उनके लिए यूज होता है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में हमें मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ती है ना, मल्टीप्लीकेशन तो छोटे छोटे नंबर्स होंगे तो इजीली कर पाएंगे, अगर बड़े नंबर्स होंगे तो उनके लिए फिर अज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो धीरे धीरे वो तरीके करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को, और सॉल्व करना आप शुरू कीजिए। इसको आप सॉल्व करके मुझे बताइए क्या आंसर आपका आने वाला है, अभी जल्दी से आंसर दीजिए मुझे इसका। बच्चों जैसे ही आपका आंसर आ जाए अपना हैंड रेज करके आंसर बताएंगे आप। इसका जो फॉर्मूला इसमें यूज होता है वो हम सीख चुके हैं ना, मीन का क्या फॉर्मूला है, डायरेक्ट मेथड से अगर आप सॉल्व करेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। मैं देख पा रहा हूँ जीआईसी मवानी दवा से कुछ हैंड रेज आ रहे हैं, जीजीआईसी बारकोट आप भी बेटा जल्दी से सॉल्व कीजिए, और जीआईसी मवानी दवा से जल्दी हम कनेक्ट करेंगे। जीआईसी मवानी दवा आपको अनम्यूट कर दिया गया है, माइक लेके आप अपना आंसर बता सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैंड रेज कर रहे थे बेटा आप माइक लेके बताइए क्या आंसर आया है आपका। हाँ बेटा बोलिए। इसका आंसर आ रहा है 8.1। 8.1 बहुत अच्छे बेटा, क्या नाम आपका? गिरी सिंह। गिरी सिंह बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, बैठ जाएं।
अब जी जी आई सी बारकोड भी बेटा अपना आंसर बता दीजिए, आपका क्या सेम आंसर आया है या अलग आया है कुछ? अच्छा आपका भी सेम आया है, नाम बताइए बेटा, नाम बताइए अपना। सीखा सर, सीखा, सीखा। बहुत अच्छे बेटा, बैठ जाएं बेटा आप। तो देखिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप बिल्कुल इतने इंटरेस्ट से कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को अच्छे से आप पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों स्कूल्स का सेम आंसर आया है 8.1, तो आप अगर देखेंगे तो ध्यान से देखिए इस आंसर को, 8.1 प्लांट्स है ना। तो यही पूछी थी कि भाई पौधों की संख्या, एवरेज पौधों की संख्या कितनी है, माध्य पौधों की संख्या कितनी है। तो अब क्या आप सोच सकते हैं, आपके दिमाग में ये तो आया ही होगा कि भाई 8.1 प्लांट्स कैसे हो सकते हैं, या तो पौधे होंगे 8 या होंगे 9, है ना। ये पॉइंट में पौधा कैसे हो गया, है ना, ये तो आपके मन में आया ही होगा। तो बच्चों यहाँ पे हम माध्य ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, माध्य ले रहे हैं। माध्य में क्या है कि बिल्कुल एग्जैक्ट जितना जितना हिस्सा, पोर्शन जिस जिस घर के हिस्से में आएगा उतना ही बताया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा एक्चुअली में नहीं होगा कि भाई 0.1 किसी के घर में पौधा होगा, बस ये है कि एवरेज आपका ये आया है, ठीक है, माध्य जो है वो ये आया है। तो माध्य आपका बिल्कुल ऐसे ही आ सकता है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सही हो सकता है। तो देखिए जिन बच्चों को अभी भी डाउट है, जिन जिनका अभी भी नहीं हुआ है सॉल्व, तो उनके लिए एक बार यहाँ पे हम सॉल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन को, और आप भी चेक करना कि क्या आपने भी इसी तरीके से किया था या कोई अलग मेथड यूज किया था, ठीक है। तो डाटा आपके पास सबके पास होगा, काफी देर तक क्वेश्चन लगा रहा था, अब इसी डाटा को हम यहां पे लिखते हैं अपने तरीके से। तो सबसे पहले आपको दी गई थी पौधों की संख्या, तो पौधों की संख्या हम यहां पे लिख लेते हैं कितनी है। बच्चों इंटरवल दिए थे आपको 0 से 2, ये क्या दिया था आपको, क्लास इंटरवल, यहाँ पे क्लास इंटरवल ही तो दिया था पौधों के नाम पे, तो इसको CI हम बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मैं इसको CI लिख देता हूँ, क्लास इंटरवल। तो ये कितना दिया है, 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, ये दिया गया है आपको। इसके बाद और क्या दिया है, घरों की संख्या, क्या दिया है, घरों की संख्या यानी नंबर ऑफ हाउसेज आपको यहाँ पे गिवन है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, FI बोल सकते हैं, इसको FI से डिनोट करेंगे, जो घरों की संख्या है उसको FI से डिनोट करेंगे, और जो बच्चों ये CI है, ठीक है, ये जो क्लास इंटरवल है इसी से हम निकालेंगे क्लास मार्क, जिसको हम XI से डिनोट करते हैं, जिसको XI बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा नहीं है, तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, जो हम क्लास इंटरवल से निकालेंगे उसको XI हो जाता है, या फिर कभी कभी आपको डायरेक्ट यहाँ पे जो नंबर्स दिए होंगे उसको हम XI बोल देते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखें। अब देखिए इसको घरों की संख्या कितनी दी गई है, इसका जो डाटा दिया गया है उसको भी यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 1, फिर 5, फिर 6, फिर 2 और फिर 3, इस तरह से आपको घरों की संख्या भी गिवन है। उसके बाद आप क्या निकालेंगे, क्लास मार्क, मैंने बोला था क्लास मार्क यहाँ पे हम निकालेंगे, या फिर इसको हम बोल सकते हैं वर्ग चिन्ह, है ना, क्योंकि हमारे पास एक रेंज दी हुई है, हमें तो क्लास एग्जैक्ट निकालना है भाई, एग्जैक्ट चीज जो निकालेंगे उसी से तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह, ठीक है। वर्ग चिन्ह को हम XI से डिनोट कर सकते हैं ना, इसको XI से डिनोट करेंगे। तो बताइए कैसे निकालते हैं हम क्लास मार्क, क्या ऐसे नहीं निकालते, जो इसकी लोअर लिमिट है इसको और अपर लिमिट को एड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं, कितना आ जाएगा ये 2/2 और ये आ जाएगा 1, है ना। तो यहाँ पे क्लास मार्क इसकी हो गई 1। इसी तरह अब हम दूसरे को चेक करेंगे, दूसरे का चेक करेंगे, तो देखिए 2+4 कितना आ जाएगा, 2/2, मतलब 4 और 2 6/2 और ये आ गया 3। तो नेक्स्ट वाले की क्लास मार्क कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी।
मतलब आप देख पा रहे होंगे कि इनके जो बीच का नंबर है वो हम निकाल रहे हैं। जीरो और दो के बीच में कितना आता है? एक। दो और चार के बीच में तीन आता है, ऐसे ही चार और छह के बीच में पांच आता है, और छह और आठ के बीच में सात आता है, फिर नौ आता है, फिर ग्यारह आता है, फिर तेरह आता है। तो इस तरह हम क्लास मार्क भी निकाल सकते हैं। अब आ गया कि हमें एफ आई एक्स आई सूत्र अगर आपको याद हो तो हम क्या करते थे, सिग्मा एफ आई एक्स आई करते थे, तो हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई भी करके लिखेंगे, है ना, एफ आई एक्स आई हम लिख देंगे। तो एफ आई क्या हो गया यहाँ पे, ये एफ आई होता जाता है, ये एक्स आई होता जाता है, इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक को एक से करेंगे तो एक ही आएगा, दो इंटू तीन छह, ठीक है। इसी तरह हम सबको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, पांच एक पांच, पांच सत्ते पैंतीस, फिर नौ छिक चौवन, ग्यारह दूनी बाईस और तेरह तीन उनतालीस, ये हो गया। नीचे हमें क्या लिखना है, नीचे हमें टोटल लिखना है, टोटल लिखना है। जैसे यहां पे हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई मतलब इन सब का टोटल, इन सबको ऐड करके लिखेंगे। तो देखिए कितना हो जाता है, एक प्लस दो तीन, तीन प्लस एक चार, प्लस पांच नौ, प्लस छह पंद्रह, प्लस दो पंद्रह, प्लस दो सत्रह, प्लस तीन बीस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ट्वेंटी आ गए इनका टोटल। इसी तरह हम जो हमारे पास एफ आई एक्स आई है तो उसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि सिग्मा एफ आई एक्स आई हमें निकालना है, ये कितना आ जाएगा, इन सबको हम ऐड करके तब निकालेंगे। तो छह प्लस एक सात, सात प्लस पांच बारह, ऐसे सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 162। ये तो सिंपल एडिशन है, तो यहाँ पे 162 आ जाएगा, 162। अब क्या करना है बच्चों, हमारे पास देखिए डाटा रेडी है, है ना, डाटा रेडी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम सूत्र लगा देंगे यहाँ पे, और सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है मीन बराबर है सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो ये डायरेक्ट मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे तो देखिए सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, यहाँ पे हमने पहले ही निकाल लिया सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू भी निकाल लिया, मतलब 162 बटे 20 यहाँ पे लिख सकते हैं, 162 बाय 20 ये लिख देंगे हम। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने इसके बाद इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको दो से डिवाइड कर देंगे पहले हम, तो कितना आ जाएगा, 81 बाय 10, और जीरो के नाम का ऊपर पॉइंट लगा दिया तो 8.1, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं आपके पास, 8.1 पौधे आप बोल सकते हैं जो माध्य आया है वो। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिर से हम क्वेश्चन पे आएंगे, और यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्य निकालने के लिए हमने प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया है। कौन सी विधि का उपयोग किया है, प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया है हमने, यहाँ पे आप लिखेंगे माध्य निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया है। अगला क्वेश्चन था क्यों, है ना, अगला क्वेश्चन था क्यों, क्योंकि क्योंकि यहां एक्स आई और एफ आई, एक्स आई और एफ आई इन्हीं का इस्तेमाल कर रहे थे हम ज्यादातर, इनके जो संख्यात्मक इनके जो संख्यात्मक मान है वो कम है, ठीक है, संख्यात्मक मान इनके कम है, इसीलिए हम डायरेक्ट मेथड का उपयोग यहाँ पे कर पाए। अगर इनके संख्यात्मक मान ज्यादा होते तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का यूज करना मुश्किल हो जाता। जैसे देखिए वो चीज भी मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए
कि यहाँ पे जो एफ आई आपको दिया है ये ऐसा ना होके होता भाई 53, 59, 63, 41, 34 इस तरह से होता, ठीक है, तो आपको मल्टीप्लीकेशन करने में थोड़ी ही दिक्कत आती। अब ये भी सिंपल थे आपके पास, है ना, जो एक्स आई थे, क्लास मार्क थे, वो भी सिंपल थे। अब ये होता 35, 49, 27, 29, 23, इस तरह से 51, इस तरह से होता। तो आप देखिए 53 इंटू 35 करना थोड़ा मुश्किल रहता आपके लिए, सबकी गुना करते और उसके बाद ये जो नंबर्स हैं सबको ऐड करते तो कितना समय जाता, है ना, कितना मुश्किल हो जाता। इसीलिए इन चीजों को आप जो ये कैलकुलेशन है इसको इजी करने के लिए हम बाकी विधियां यहाँ पे सीखेंगे। तो हम अगर हमारे पास इजी हो, ठीक है, नंबर संख्यात्मक जो मान है वो छोटे हों तो हम डायरेक्ट विधि का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन अगर संख्यात्मक मान बड़े हैं तो हम दूसरी विधियों का यूज करेंगे। ये चीज आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन किया है और आपने जो आंसर दिया था दोनों स्कूल्स ने, जीजीआईसी बारकोट और जीआईसी मवानी दवा ने, बिल्कुल सही आंसर दिया था बेटा। और ऐसे ही आप आंसर देते रहिए, पार्टिसिपेट करते रहिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हमने अभी सिर्फ इनका डायरेक्ट मेथड किया है ना, डायरेक्ट मेथड किया है माध्य निकालने का। तो आपको ये मेथड अच्छे से आ जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल मेथड है। थोड़ा प्रॉब्लम जो रहती है वो रहती है आगे के दो मेथड में, क्योंकि उनमें थोड़ी ही एक्स्ट्रा चीजें आ जाती हैं। तो बिल्कुल हम जैसे ही हमें ये मेथड आ जाएगा तो इस मेथड में ही कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपके आने वाली हैं। तो इसीलिए मैं इस मेथड पे इतना फोकस कर रहा हूँ कि भाई आपको सबसे सिंपल वाला मेथड पहले आ जाए, उसके बाद आप बाकी के दो मेथड सीखेंगे। तो बच्चों इस मेथड से काफी सारे क्वेश्चंस हैं आपके बुक में, वो आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे, और कोई डाउट अगर आपको आता है तो अगले सेशन में आप पूछ लीजिएगा। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।